वजूद। नारा तकबीर, नारा तकबीर। कायदे बनते हैं लेकिन कायदे कुछ काम के नहीं होते हैं। महिलाओं के लिए काफी कायदे गवर्नमेंट ने बना रखे लेकिन महिला की सुरक्षा कहीं नहीं है। महिला सरकारी कचहरी हो, रोड हो, घर हो, कहीं भी वो सेफ नहीं है। उसका शोषण किया जा रहा है और आज आवाजों में उसकी आवाज उठाने के लिए भी कोई नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं जैन शेख और कौशिका बेन आपकी आवाज बनेंगे। मैं अपनी बहनों से भी वादा करती हूँ कि आपके जो मसले मसाइल है उसके ऊपर भी मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। जिस तरह से मैं आज देखती हूँ, काउंसलर करती हूँ, हजारों की तादाद में मेरे पास केस आ रहे हैं कि महिलाओं की सुनी नहीं जाती। पुलिस प्रशासन, गवर्नमेंट, कायदा कुछ काम नहीं है। जब ट्रिपल तलाक का कानून मोदी सरकार लेके आई तो उन्होंने यह वादा किया कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे लेकिन वो उसमें भी फेल रह चुके हैं। यूएपीए आता है तो लाया जाता है मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमान के अंदर अगर कोई मारने की कोशिश करता है तो उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। लव जिहाद लाया जाता है, लेट जिहाद लाया जाता है, लो जिहाद लाया जाता है। मुसलमान के साथ हर अल्फाज के अंदर जिहाद को रोक के आज पूरे भारत देश के अंदर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। मुसलमान की कमर के तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और मैं यही बात आप लोग को कहना चाहूंगी, आप ये सब चीजों को याद रखें, भूल ना जाए। जिस तरह से हमारा दलित भाई अगर वो शादी है उसकी तो वो घोड़े पे नहीं बैठ सकता, वो लंबी मूछ नहीं कर सकता, लेकिन आज तक इस तरह की पार्टियों ने क्या किया है हमें पता है। बात के अपने अपने सत्ता की रोटी ऐसे की है लेकिन ये मौका मिला है, हमें एक और जाना है और इनको जवाब देना है। इंशाल्लाह मैं आपके बीच पर आऊंगी। आपकी जो बेताबी है मैं बखूबी समझती हूँ, मेरे से साथ को सुनने की, इसीलिए अपने बात को खत्म करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब, हमारी बहन की हिम्मत को सलाम, इनके जज्बे को, इनके हौसले को सलाम है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि शेरनी की नस्लें कभी शियार पैदा नहीं करती और हमारी माएं कभी गद्दार पैदा नहीं करती। शेरनी की नस्लें